देश भर में मंगलवार को ईद धूमधाम से मनाई गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ईद का जश्न दिखा। ऐशबाग स्थित ईदगाह में लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान वहां मौके पर कई पार्टी के दिग्गज भी पहुंचे। ऐसा ही नज़ारा दिखा ऐशबाग ईदगाह में, जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे, तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री दानिश अंसारी भी ऐशबाग ईदगाह में इबादत के लिए पहुंचे। ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। यहाँ पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने अखिलेश यादव को नमाज अदा कराई। इस दौरान ईदगाह के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जिला प्रशासन के साथ यहाँ पर पुलिस के आला अफसर भी मौजूद रहे। नगर निगम और जलकल के साथ फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की भी तैनाती की गई थी। इस दौरान अखिलेश यादव ने देशवासियों को ईद की बधाई दी और कहा कि जिस तरीके से हम लोग मिलकर रहते हैं, आने वाले समय में भी हम लोग भाईचारे को बढ़ाने का काम करेंगे, यही हमारे देश की परंपरा और पहचान है। लखनऊ में ईदगाह ऐशबाग के साथ ही टीले वाली मस्जिद में भी नमाज अदा की गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ईदगाह में पहुंचकर लोगों को ईद की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में शांति और सौहार्द के लिए कामना की। लोगों ने सुबह नमाज अदा करने के दौरान सभी के लिए अमन और चैन की दुआ की। प्रदेश की सभी प्रमुख मस्जिदों में 2 साल के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। लखनऊ के अलावा राज्य के सभी जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अदा की गई। आगरा, मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी के साथ गोरखपुर में भी लोगों ने मस्जिदों का रुख किया। सभी मस्जिदों में लोग बड़ी संख्या में उमड़े और नमाज अदा की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।